फर्नीचर, सैलेड ड्रेसिंग्स और कपड़ों में कॉमन क्या है? वेल, दे ऑल कॉस्ट मनी। नो, कॉटन। कॉटन? यस, कॉटन। कॉटन और इंडियन हिस्ट्री का रिश्ता बहुत पुराना है। ऋग वेद में भी कॉटन के बारे में लिखा है। इतना ही नहीं, लंका दहन के समय हनुमान के पूंछ पर बहुत सा कॉटन फैब्रिक लपेटा गया था। व्हाट अ वेस्ट। मैं होता तो उसके 3 सूट सिलवा लेता। 2600 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन इतना प्रेशियस था कि इसको लोग सिल्वर वेसल्स में रखते थे। मतलब कॉटन सिल्वर से भी कीमती था। वैसे 2600 BC में इंडस वैली की पॉपुलेशन कितनी होगी? 2600 पीपल? फनी। ये जानने के लिए वी हैव टू डिग इनटू द पास्ट। खुदाई से ही आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर किया। वहाँ के लोगों ने कॉटन का खूब इस्तेमाल किया कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए। ओह, फिर तो सब सफेद कॉटन के कपड़े पहनते होंगे। कॉटन सफेद होता है, इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े भी सफेद ही होंगे। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लोगों ने कपड़ों को डाई करना सीखा ताकि वो भी कलरफुल कपड़े पहन सकें, हमारी तरह। एक्चुअली इट्स द अदर वे राउंड। हम कलरफुल कपड़े पहनते हैं उनकी तरह। वो पहले कपड़ों को मॉडर्न से ट्रीट करते, फिर कलर डालते। इतना ही नहीं, वो कपड़ों पे बर्ड्स और एनिमल फिगर्स के पैटर्न्स बनाते थे। कमाल के क्राफ्ट्समैन होंगे वो। मुझे लगता है कि वो लोग सिर्फ एफिशिएंट रोड्स और ड्रेनेज सिस्टम में एक्सपर्ट थे। वैसे उन्होंने कॉटन प्लांट डिस्कवर कैसे किया? जैसे ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखा है कि जब ग्रीक इंडिया आए तो उन्होंने कुछ पेड़ पे फूल के बदले वूल उगते देखा। खूबसूरती और क्वालिटी के मामले में कॉटन को भेड़ के वूल से बेहतर पाया। फिर तो उनके पास कॉटन क्लोथ्स भी होंगे और वूलन क्लोथ्स भी। क्वाइट पॉसिबल। हेरोडोटस का बयान सुन के ही अलेक्जेंडर भी इंडिया आया हो कॉटन लेने अराउंड 300 BC। वही अलेक्जेंडर जिसने पोरस को हराया, और शायद पोरस के कपड़े देख के कहा होगा, तुम पोरस हो, तुम्हारे कपड़े भी पोरस हैं। हाँ, वही अलेक्जेंडर। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। नियोकोस इंडियन कॉटन की वाइटनेस से भी काफी इम्प्रेस था। यानी कि अलेक्जेंडर ने ही इंडियन कॉटन को यूरोप में इंट्रोड्यूस किया था। प्रोबेबली, क्योंकि अलेक्जेंडर के बाद ही ग्रीक मर्चेंट्स इंडिया से कॉटन इम्पोर्ट करने लगे। रिमेम्बर मार्क एंथनी, जूलियस सीजर का दोस्त? उनके कपड़े बनते थे सिर्फ इंडियन कॉटन से। अराउंड 300 BC, इंडियन कॉटन की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई कि इसकी डिमांड चाइना और पर्शिया में भी बढ़ गई। उन दिनों कॉटन पटियाला, गुजरात, आंध्र प्रदेश और बंगाल जैसे रीजन से आती थी। ढाका में इतनी अच्छी क्वालिटी का कॉटन होने लगा कि लोग उसे पोएटिक नाम से बुलाने लगे। आबे रवा मतलब रनिंग वाटर, शबनम यानी कि इवनिंग ड्यू। एक वीवर को तो ढाका से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी गाय ग्रास पे बिछी नवाब की मसलिन और कॉटन को चारा समझ के खा गई। नो वंडर टर्क्स और मंगोल्स भी इंडिया आए। वो खजाना नहीं, कॉटन लूटने आए थे। इसकी क्वांटिटी देख के बोले होंगे, इतना कॉटन वापस कौन ले जाए, यहीं बस जाते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन उनके आने से कॉटन फैब्रिक्स के डिजाइन में फर्क जरूर पड़ा। इन फैक्ट कपड़ों पे बने मोटिफ डिफरेंट एरास को डिपिक्ट करते आए हैं। प्योरली हिंदू एलिमेंट्स हो तो फैब्रिक 11th और 12th सेंचुरी का, इस्लामिक एलिमेंट्स हो तो 13th सेंचुरी आफ्टरवर्ड्स का, और कोट्स लिखे हो तो 21st सेंचुरी का। यू ऑन योर सेंस ऑफ ह्यूमर। एनीवे, पता है एक बार तो औरंगजेब अपनी बेटी से बहुत नाराज हुआ। क्यों? औरंगजेब की बेटी के कपड़े इतने बारीक थे कि उसकी स्किन दिख रही थी, जबकि उसने 7 जामे पहने थे। 7 मतलब एक के ऊपर एक? यस, मुगल एरा में कॉटन की पॉपुलैरिटी और डिमांड उसकी सप्लाई से इतनी ज्यादा हो गई कि कॉटन बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। अकबर के वक्त में तो ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई थी। मतलब ब्लैक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इतना पुराना है। और प्रोबेबली इवन ओल्डर। 13th सेंचुरी में मार्को पोलो जब समुद्री यात्रा करके मद्रास यानी कि चेन्नई पहुंचा तो वहां की कॉटन क्वालिटी देख के दंग रह गया। और इंडियन कॉटन की तारीफ को सुनते ही फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश सभी की ट्रेवल विश लिस्ट में इंडिया टॉप पर आ गया। हाँ, और इंडिया पहुंचने का समुद्री रास्ता भी मिल चुका था। पोर्चुगीज ने इंडियन कॉटन इंडस्ट्री को करीब 100 तक कंट्रोल किया और उसे बढ़ने नहीं दिया। वो यहाँ से बस सस्ते दामों में कॉटन खरीदते और उस कॉटन के बदले अफ्रीका से गुलाम एक्सचेंज कर लेते। बार्टर सिस्टम। ओह, दैट मींस कि पोर्चुगीज भी अंग्रेजों की तरह अफ्रीकन्स को गुलाम बनाकर रखते थे। इन सब के बीच इंडियन कॉटन अफ्रीका के अलावा कई और देशों की सरहद पार करता गया। इजिप्ट, टर्की, चाइना, पर्शिया, अरेबिया और यूरोप। कॉटन की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख ब्रिटिश भी इंडिया आ गए एज ट्रेडर्स। सुना है कि अमेरिकन कॉटन ब्रिटेन में ज्यादा पॉपुलर था। हाँ, लेकिन 1861 में
अमेरिकन सिविल वॉर के समय ब्रिटिश के लिए वहां से कॉटन इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया और वो अल्टरनेटिवली गुजरात, डेक्कन और कोंकण में एक्सोटिक अमेरिकन कॉटन ग्रो करने की कोशिश में लग गए, लेकिन हर बार असफल रहे। इसी कॉटन की वजह से गांधी जी अंग्रेजों को भारत से निकालने में सफल रहे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के थ्रू। ब्रिटिश यहां से सस्ते दामों में कॉटन खरीद के इंग्लैंड ले जाते और मशीन मेड फिनिश प्रोडक्ट्स लाके इंडियन मार्केट में बेचते, वो भी महंगे दामों पे। इससे यहां की कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडलूम वर्कर्स को काफी नुकसान होने लगा। अच्छा, तभी गांधी जी ने इंडियंस को ब्रिटिश गुड्स बॉयकॉट करने को कहा। बिल्कुल, गांधी जी चरखा चलाने लगे, अपने कपड़े खुद बनाने लगे, लोगों से भी ऐसा करने की अपील की। शायद ये उन्हीं की देन है कि आज लगभग 60 मिलियन इंडियंस कॉटन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़े हैं। सिर्फ कॉटन और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग आज लगभग 70,000 करोड़ है और ज्यादातर एक्सपोर्ट मुंबई के नावा शेवा बंदरगाह से होता है। लेट मी ऐड टू दिस, मुंबई सिटी 1845 में 7 आइलैंड्स को जोड़ के बनाया गया था और इस मेगा सिटी को मेगा बनाने में कॉटन एक्सपोर्ट का अहम रोल रहा है। अगर देखा जाए तो मोहनजोदाड़ो के उजड़ने से मुंबई के बसने तक इंडियन हिस्ट्री का हर दौर कॉटन के छोटे से फूल में पाया जा सकता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।